अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। देखिए क्या हालत है बेचारे की, सूख के कांटा हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अंतिम सांसें गिन रहा हो। ये मेंटल कंडीशन बहुत खराब है टीका की, और अगर जल्दी से जल्दी कुछ नहीं किया गया ना तो ये लड़का खत्म हो जाएगा। सक्सेना जी क्या किया जा सकता है बताइए। क्या है भाई माँ के, टीका की कुछ जरूरतें हैं। टीका एक जवान लड़का है और इसकी जवानी किसी आइसक्रीम की तरह पिघलती जा रही है, और अगर जल्दी से जल्दी कुछ नहीं किया गया तो इसकी सारी जवानी पिघल जाएगी। आप कहाँ बोले यार, अब क्या कहना क्या चाह रहे हैं, जरा साफ साफ कहिए ना सक्सेना जी। भैया आप बहुत बड़े गधे आदमी हैं, इशारों को समझते नहीं हैं आप। भाभी माओ के सामने कैसे खुल के बोलू मैं? तो कान में कह दीजिए ना। ठीक है आइए इधर आइए। आइए चाह रहे हैं सक्सेना जी। मोटा मोटी बात यह है कि हमारा जो ये टीका है इसको एक पार्टनर की जरूरत है। उमेका बड़ा बात है, टिल्लू भैया है ना पार्टनर। अरे पगली टिल्लू वो सब नहीं दे सकता जिसकी जरूरत टीका को है। ऐसा क्या देना होगा इसको? अरे तेरे पास है भी नहीं। विपू थोड़ा तो ख्याल रखो ना, हम लेडीज भी यहाँ पे बैठे हैं। मैंने क्या गलत कह दिया? क्या ये टीका की गर्लफ्रेंड बन सकता है बताओ मुझे? नहीं कतई नहीं, हरगिज नहीं, मैं ना बनने का गर्लफ्रेंड इसकी। बेटा हम तो पहले ही कह रहे थे तुझसे ना हो पाएगा, बट टीका के लिए एक प्योर लड़की चाहिए। लड़की का बात कर रहे हैं, तो वो है ना समोसा, टीका की दोस्त। भाई समोसा नहीं भाभी जी, भूसा, आई मीन रूसा। रूसा ऐसे ही पकड़े हैं, वो है ना रूसा तुम्हारी दोस्त। ना ना भाभी जी ऐसी बात ना है, रूसा तो मुझे अपना दोस्त समझती है, टीका को तो भाई मानती है वो। अबे तो अपने दोस्त के लिए कोई ढूंढ ना। पर किस तरह का दोस्त है तू, धिक्कार है तुझ पे? तू दोस्त के काम नहीं आ सकता, लानत है, डूब के मर जा चुल्ली भर पानी में। विभू तिवारी जी, दूसरों को लेक्चर देने से पहले ना आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। अरे हमें काहे शर्म आनी चाहिए भाभी जी, ये कौन सा हमारा सगे वाला है? Exactly. तो का केवल सगे वालों का ही मदद करेंगे हा? दुनिया में इंसानियत नाम का कोनो चीज है कि नहीं? वो देखिए बेचारे टीका। अंगूरी जी बिल्कुल ठीक कह रही है, इसलिए विभू तिवारी जी आज से आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टीके के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढें जो उसकी गर्लफ्रेंड बन सके और उससे शादी भी कर सके। मुझे लगता है भैया लोग, भाभी माँ बिल्कुल सही कह रही हैं, इनका आइडिया बहुत अच्छा है, और अगर आपने इनके आइडिया को फॉलो कर लिया तो बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। विभूति सेठ एक और लड़की ढूंढ के लगे हाथों तो मेरे भी हाथ पीले करवा दिए ना। तेरे हाथ पीले नहीं कराएंगे, तेरा कुछ और लाल कराएंगे। लाल करेंगे, आई लाइक इट। तिवारी जी टीका के लिए एक लड़की का जुगाड़ कीजिए ना। हम कहाँ से कर दें यार? अरे खानदान में कोई होगी ना आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसी वैसी, करा देते हैं उससे। हमारे खानदान में फालतू लोग नहीं भरे पड़े हैं, एक से एक करोड़पति लोग हैं, उनकी बेटियों के ऊंचे ऊंचे खानदान के रिश्ते आते हैं, टीका जैसे फटीचरों के रिश्ते नहीं आते। या चल ठीक है, तेरे रिश्तेदारी में कोई नहीं है, चल ठीक है बात समझ में आ गई, लेकिन तेरी अम्मा के गांव में तो होगी कोई कोई गरीब गुरबा। क्या फालतू की बकवास कर रहे हैं, बचपन से लेकर आज तक हम अपनी अम्मा के गाँव नहीं गए, हमें कैसे पता होगा ये सब? तो अपनी अम्मा से पूछ ले। यार काय पूछ ले अम्मा से, हम देख टीका की शादी का ठेका ले रखा है, आप और भभूति जी ट्राई करो, पंडित रामपाल से पूछ लीजिए। मैं क्या कर रहा तिवारी जी, मेरे जो सर्कल में सारे जो है ना बड़े एलीट लोग हैं, उनके बच्चे किसी का अमेरिका में पढ़ रहा है, किसी का यूके में पढ़ रहा है, किसी का स्विट्जरलैंड में पढ़ रहा है, तो उनसे तो बात करना इम्पॉसिबल है ना। फालतू की बकवास मत कीजिए, हमें पता है आपका सर्कल एक से एक चिंदी चोर भरे पड़े हैं आपके सर्कल में।
चिंदी चोर कहा आप? जी हाँ, चिंदी चोर आप हैं, चिंदी चोर आप हैं। एक नंबर के चिंदी चोर तो आप हैं। आप हैं चिंदी चोर, अरे आप खानदान चिंदी चोर हैं। पूरी बढ़िया, बैठे नहीं कि बस लड़ने लगे दोनों यार। हम यहाँ टीका की प्रॉब्लम का सलूशन करने आए हैं यार, इसलिए बैठे हैं। और तुम लोग नॉइस पोल्यूशन कर रहे हो। चुप बैठो थोड़ा। चाच, अभी तो काफी दिनों से है यहाँ पे, आपके नजर में कोई नहीं है क्या? मेरी नजर तो कई दिनों से उस पे। किस पे? चुट्टन की बीवी यार, बड़ी होट है यार। किसकी बात कर रहे हैं? चुट्टन है ना, चुट्टन अपना कपड़े धोने वाला। हाँ। उसकी बीवी की बात कर रहे हैं। तो बहुत ही एजेड है यार। तो तू क्या टीका को समझ रहा है? मतलब एकदम कौवला नौजवान, तुझे पता है टीका इस टाइम पे कितना फ्रस्ट्रेटेड है? उसके सामने कोई भी औरत खड़ी कर दो, उसकी समझ में नहीं आएगा कि ये बूढ़ी है या जवान है। तब एक काम कीजिए, क्या ना बताया आपने? ऑलराइट, व्हाटएवर इट इज, आप जरा उससे बात कीजिए। आई होप शी अग्रीज। तो क्या कि अन्नू मेरा कान खाना बंद करेगी यार? हमारी भी तो यही मुसीबत है भाभी जी, और अंगूरी का प्यार कुछ ज्यादा ही उमड़ रहा है टीका के प्रति। वो तो अबे वो आ गई। कौन आ गई? कालिंदी। हाँ? तुम्हारे साथ सफर बड़ा आसान लगता है। देखो ना, कितनी जल्दी तुम्हारा घर भी आ गया। चलो हैं? मेरा मतलब आज का जो सफर था वो यहीं खत्म होता है। अगर तुम चाहो तो ये सफर तुम्हारे घर के अंदर भी खत्म हो सकता है। बस एक कप चाय पिला दो। देखो, मैं एक औरत हूँ, मेरी भी कुछ सीमाएं हैं, और अगर ये सीमाएं टूट गई ना तो सैलाब आ जाएगा। सैलाब तो मोहब्बत का आएगा मेरी जान, और उसके बाद गरज के साथ चींटे भी पड़ेंगे। सुनो, गरज के साथ चींटे पड़ने में अभी टाइम है। अरे सुनो ना जाने मन, चाहत किस बारिश में भीग लेने दो ना, क्या पता ये मौका फिर कभी मिले ना मिले। तिवारी जी, क्या अभी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? बिल्कुल वही सोच रहे हैं भगवती जी। चॉइस बुरी नहीं है, आप क्या कहते हैं? लौंडा है कौन? होगा इसको कोई भाई भाई? नहीं, भाई भाई नहीं है यार, भाई की ऐसी बॉडी होती नहीं है। बॉडी मतलब बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं होती यार किसी भी भाई की। मैं क्या बोल रही हूँ, अभी रात बहुत हो रही है, कल मिलते हैं। अबे हटो यार, चल पीते हैं। बाय कालिंदी। बाय झबरा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।